किसान आंदोलन जिसे कि 11 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के रास्ते खोलने को लेकर सुनवाई हो रही है। इधर आंदोलनकारी सुप्रीम कोर्ट की ओर से खुद के खिलाफ फैसला आने की आशंका में बॉर्डर पर भीड़ बढ़ाने की कवायद में जुटे हुए हैं। मंगलवार को भी आंदोलन के बीच सभाओं से लेकर इंटरनेट मीडिया तक पर आंदोलनकारी नेताओं ने किसानों से आज बॉर्डर पर एकत्रित होने का आह्वान किया था। इस अपील में ये नेता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कानूनी फैसले की आड़ में सरकार आंदोलन खत्म करने की कोशिश कर रही है, इसलिए सभी किसान अपना खेतों का कामकाज छोड़कर बुधवार को दिल्ली के टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर जुट जाएं, ताकि किसानों की ताकत देखकर किसी भी तरह के आंदोलन के विपरीत फैसलों की आशंका न रहे। साथियों, मेरा निवेदन है, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और बॉर्डरों के रास्ते खोलने को लेकर के सुनवाई है, और अगर कुछ भी हमारे विरुद्ध होता है, कुछ भी हमारे विरुद्ध फैसला आता है, तो यह हमारे आंदोलन के लिए बहुत खतरनाक होगा। साथियों, आप सबके प्रयासों के लिए बहुत खतरनाक होगा। मेरा यह निवेदन है सबसे, हरियाणा बहुत नजदीक है जो इस आंदोलन की नींव है, पंजाब नजदीक है जो हमारे दोनों बॉर्डर हैं, सिंघू और टिकरी बॉर्डर। साथियों, सारे काम छोड़ करके तत्काल अपनी गाड़ियां, अपने ट्रैक्टर ट्राली तैयार करके अपने जत्थों के साथ सुबह सुबह तक, जो रात को पहुंच सकते हैं वो रात को पहुंचें, जो सुबह जल्दी पहुंच सकते हैं वो सुबह जल्दी पहुंचें, और साथियों 10 बजे तक जो सिंघू बॉर्डर है और जो टिकरी बॉर्डर है, और विशेष रूप से मेरी हरियाणा पंजाब के जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनसे हाथ जोड़ करके ये अपील और प्रार्थना है कि साथियों, कोई भी फैसला हमारे विरुद्ध ना आए, कोई भी फैसला हमारे विरुद्ध ना आए, मोदी सरकार अपने षड्यंत्र में सफल ना हो, आरएसएस अपने षड्यंत्र में सफल ना हो, इसलिए जरूरी है यहां संख्या बढ़ा दो सिंघू बॉर्डर पे। आंदोलनकारियों की इस कवायद को लेकर आम आदमी अब फिर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ तो आंदोलनकारी दिल्ली के बॉर्डरों को दिल्ली पुलिस द्वारा बंद किए जाने का दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आंदोलनकारी इस तरह की कोशिश भी कर रहे हैं कि कोर्ट के फैसले से दिल्ली के बॉर्डर ना खुल पाए। अगर आंदोलनकारी चाहें तो बॉर्डर खुल सकते हैं, जिससे कि लोगों को सहूलियत हो जाए। अब त्योहारों का मौसम है, ऐसे में उद्योग और व्यापार को पटरी पर लाने की जरूरत है, ताकि जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई की जा सके, साथ ही हजारों लोगों का रोजगार भी प्रभावित ना रहे। अभी तक तो बॉर्डर बंद होने की वजह से आंदोलनकारी सड़क पर जमे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर खुलने के बाद उनके लिए भी समस्या बढ़ सकती है। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज।